नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक खबर नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और हम खड़े हैं सिवान के दाहा नदी पुल पे। आपको बता दें कि ये दाहा नदी पुल जिस पर देख रहे हैं कि लगातार लोगों का आना जाना यहाँ जारी है और ये एक तरह से सिवान का लाइफ लाइन कहा जाता है। अगर ये पुल यहाँ से रास्ते को बंद कर दिया जाए तो पूरा शहर का जो पश्चिमी इलाका है वो कट जाता है। और आपको बता दें कि इस पुल में आज सुबह में एक पाया जो है वो बैठ गया है। हालांकि आपको बता दें कि इसके जस्ट बगल में अंग्रेजों का बनाया हुआ सैकड़ों साल पुराना एक पुल हुआ करता था, लेकिन उस पुल को गिरा करके और अब नया पुल बनाने की योजना आ गई सरकार की, जिसका शिलान्यास यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे वो उन्होंने किया था और उसका बनाने का काम चल रहा है। लेकिन आज से लगभग 6-7 साल पहले, शायद हो सकता है कि एक आध साल इधर उधर हो, इस पुल का निर्माण किया गया था। और ये पुल बिहार राज्य, उसका ये बोर्ड लगा हुआ है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अंतर्गत इसके उद्घाटनकर्ता बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और ये जैसे कि ये तिथि जो इसमें दिखाई जा रही है वो 2011 में 10 जून को ये पुल का शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और ये महज 10 साल के भीतर इस पुल में दरार आ गई और एक पाया शायद इसका बैठ गया है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से वो पाया, हम वहाँ तक आपको ले चलेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये पुल, इसका एक पाया जो है वो पानी के अंदर है, पानी का दबाव है अभी और वो पाया नीचे बैठ गया है। ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है, ये खतरनाक मोड़ पे है। और ये अब ये इलाका आ गया जहाँ से ये पुल बैठा है। हमारा यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे ये पुल दबा हुआ है और जिसके कारण नीचे, हम आपको नीचे भी ले चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो पुल है किस तरह से नीचे दबा हुआ है और ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है, इस पर आना जाना खतरनाक है। आज सुबह से जिला प्रशासन ने दोनों तरफ से बड़ी गाड़ियों के लिए आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये पुल देखिए कि यहाँ पे ये दरार सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये पुल यहाँ पे बैठ गया है। यहाँ ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है और इस पर अभी खड़ा होना भी खतरे को आमंत्रण देना है। हम आपको बता दें कि ये सिवान शहर पुल के पूर्वी छोर पे सिवान शहर है और इस तरफ आपको चाहे वो गोपालगंज जाना हो, उत्तर प्रदेश को ये जोड़ता है ये पुल। इधर जितने बड़े अधिकारी एसपी साहब से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारियों का बंगला इसी साइड में है। अगर ये पुल ध्वस्त होता है तो पूरा शहर से, ये सिवान शहर से ये पश्चिमी इलाका कट जाएगा और ये कभी भी खतरनाक है। इस पुल पे अभी आना जाना बड़ी गाड़ियों का, इस पर सिलसिला आने जाने का बंद कर दिया गया है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि वैसे तो इस पुल को लाइफलाइन कहा जाता है और आप देख रहे हैं कि ये पुल, इसका पाया नीचे बैठ गया है। अगर ये पुल अभी खतरनाक है, इस पर यहाँ खड़ा होना भी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और ये पुल टूट गया, तो आपको क्या लगता है कि इसके ये घोटालों, जो घोटाला होता है उसी का घोटाला है,
ये तो आँख से देखने का चीज़ है कि घोटाला का हर दस्तूर को ही लोग खराब करके रख दिए हैं। तो इसके लिए किसे दोषी माना जाए? इसमें तो सरकार की दोषी, सरकार दोषी है, सरकार। बिल्कुल सरकार दोषी है। ये 10 साल 8 साल में अगर पुल गिर जाता है तो ये सरकार का दोष है कि यहाँ खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, कभी भी यहाँ कुछ हो सकता है। और इसी खतरे को भांपते हुए यहाँ पे आप लोग इधर आ जाइए, पुल नीचे बैठ गया है, आप लोग इधर आ जाइए। ये कभी भी यहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने इसको संज्ञान में ले लिया है और बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुल की जो हालत है, बहुत ज़्यादा क्लाउड भीड़ होता है यहाँ पे। ये शहर को जोड़ता है पुल, और अगर दिन में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमें लगता है कि सैकड़ों लोगों की जान जाएगी। लेकिन उसके पहले प्रशासन इस पर अगर इस खबर को, ये खबर प्रशासन तक पहुंचती है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। ये पुल पे आना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी ये पुल ध्वस्त हो सकता है। और आपको बता दें कि नया पुल जो बन रहा है बरसात के कारण उसका भी काम बंद है। और ये आप देख सकते हैं कि ये रेलिंग जो है, रेलिंग के ठीक बीच में ये पुल नीचे बैठ गया है। बहुत कम समय हुआ इस पुल को बने हुए, लेकिन ये पुल नीचे बैठ गया है। ठीक, आप देखिए, आप जब पैरलर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुल नीचे बैठ गया है और ये खतरा है, कभी भी कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। हम आपको नीचे भी ले चल के, हालांकि बहुत से लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या मत है, किसको दोषी मानते हैं यहाँ पे। हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोग क्या सोचते हैं इस पुल को लेकर के। एक मिनट, आप देख सकते हैं कि ये पुल जो है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको बनाए हुए, लेकिन ये पुल में दरार आ गई है और इसका एक पाया बैठ गया है। क्या लगता है कि ये किसको दोषी आप मानते हैं? देखिए, इसको तो जो है ना, जो इसके दोषी हैं, इसके सिविल जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, ठीक है ना, वो लोग इसके मेन दोषी तो वही हैं। सुशासन की सरकार कही जा रही है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि कई पुल, चाहे वो 70 घाट का पुल हो या और भी कई पुल है, नया बन रहा है और नया बनने के बाद कुछ दिनों के बाद वो ढह जाता है। तो इसके लिए दोषी, मतलब कि इंजीनियर तो है ही, लेकिन जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, क्या वो दोषी नहीं है? जी हाँ, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेवार है। सरकार को जो है देखना चाहिए, अगर सरकार इस पर ध्यान दिया होता तो ऐसा नतीजा नहीं हुआ होता और ऐसा घटिया निर्माण नहीं हुआ होता। अच्छा, आज अगर ये पुल, बाय द वे, भगवान न करे कि गिरे, लेकिन ये गिर जाता है तो देख रहे हैं कि कितने लोगों का आना जाना है, बड़ी गाड़ियों को इस पे तत्काल रोक दिया गया है। लेकिन ये पुल अगर कहीं ध्वस्त होता है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है? जी हाँ, इससे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है, बहुत भारी जो है ना क्षति होगा। ठीक है ना, सिवान शहर में आने के लिए गोपालगंज से या सिवान से इधर से महरवा से सबका यही मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी है तो बंद, बाईपास रास्ता बहुत दूर है जी। तो इस पे प्रशासन को और सरकार को जो है ना ध्यान देना चाहिए कि इसका जल्दी से कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि दूसरा अभी बना नहीं है। आपने देखा होगा कि पुराना जो पुल था, हमें लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने का पुल था, लेकिन आज भी वो ठीक था। जी हाँ, वो अभी भी बढ़िया कंडीशन में था, चल रहा था पुल जी, और उसमें अभी कहीं दबा हुआ नहीं था कम से कम। लेकिन महज 8-10 साल में भीतर ये पुल खत्म। जी हाँ, ये पुल टूट गया। कितने सरकार को दोषी मानते हैं? जी हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोहेल अहमद पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं सिवान खालिसपुर के। खालिसपुर के रहने वाले हैं, सिवान के। और ये कहते हैं कि अगर जिस दिन ये पुल गिरा, पूरी यह व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इस पुल में दरार आ गई है और एक ये लाइफ लाइन कहा जाता है, किसको दोषी मानते हैं? यहाँ का सरकार का दोषी है, प्रशासन के दोषी है, कोई देख देखाव नहीं कर रहा है लोग। ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर सर। आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ है पुल पे आने जाने वालों का, और हालांकि प्रशासन ने एहतियातन बड़ी गाड़ियों को रोक दिया है, लेकिन छोटी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर ये गिरा दिन में या कभी भी तो
कितने लोगों, सैकड़ों लोगों की जान जा सर, ये तो जान, अब ये तो देख कर जान पड़ता है कि कभी भी हादसा हो सकती है। जान हथेली पर लेकर यहाँ पर लोग चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा रहा, इतना पानी भरा हुआ है इसमें, और जब भी ये पुल टूटती है गिरती है तो दंदरा का हादसा होगा सर यहाँ पर। ये पूरा सरकार और पूरा यहाँ का प्रशासन नेता भी कोई देखने नहीं आ रहा है कि ये पुल को मरम्मत कराया जाए या ठीक कराया जाए। ये तो बहुत परेशानी का बात हुआ सर, हम लोग बहुत परेशान हैं ये सब देख के। चलिए यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात, आप नाम बता दीजिए सर। मेरा रवि कुमार रतन हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट से है सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जमसिकरी का रहने वाला हूँ। तब तो आपका रोज आना जाना होता होगा? रोज हाँ, हमेशा सर आना जाना रहता है, लेकिन और अगर ये पुल गिर जाता है तब आप कैसे किधर से आएंगे? तो सर सीने पर एकदम हाथ है सर, देख धड़कन एकदम बढ़ गई है इसको देख के, कभी भी हादसा हो सकता है सर। चलिए, आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि सीने पे हाथ रख करके और जान जोखिम में डाल करके वो इस पुल को पार कर रहे हैं, और ये मजबूरी भी है क्योंकि और रास्ता है लेकिन वो काफ़ी घुमावदार रास्ता है, और ये सीधा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिवान का लाइफ लाइन कहा जाता है इस पुल को, अगर ये टूटा तो बहुत कुछ संपर्क उससे टूट जाएगा, और लोग जान हथेली पे रख करके इस पुल को पार कर रहे हैं। देखना है कि प्रशासन इस पर, और हालांकि प्रशासन जगा है, प्रशासन ने रात से ही भारी वाहनों का इस पर आना जाना बंद कर दिया गया है, लेकिन दिन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां एक साथ इस पुल पे आती हैं, तो ये भी एक लोड बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ये खाली है, इसमें भी लोग भरे हुए हैं, लेकिन जी तो जान पड़ता है कि अभी मतलब जाने का मन नहीं कर रहा, इतना डर जैसा भय जैसा हुआ है सर। ये तो स्थिति देखकर इतना ना मतलब लग रहा है ना, मतलब सभी लोग भय खा रहे हैं आने जाने से, इस पर कोई मतलब प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है सर, मतलब बहुत मतलब प्रशासन का ऐसा नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है, बड़ी गाड़ियों को प्रशासन ने बंद कर दिया है, छोटी गाड़ियों का आने जाने के लिए रखा गया है, चूंकि यही एक यही रास्ता है जी, तो प्रशासन का ध्यान है, लेकिन फिर भी खतरा है। हाँ खतरा तो है सर, बहुत खतरा है सर, बहुत खतरा है। हम आपको ले चलेंगे पुल के नीचे और वहाँ उस दरार को दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो दरार कहाँ पे है और जो पाया है वो कैसे नीचे बैठा है। आप देख सकते हैं कि जिस दाहा नदी पुल की हम बात कर रहे हैं और जिसमें दरार आ चुकी है, खतरनाक हो चुका है ये पुल दाहा नदी का, जो सिवान का लाइफलाइन है, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो एक बार जूम करें उस बीच वाले, ये दोनों पाया के बीच में एक बीचों बीच एक दरार आया हुआ है। हालांकि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दरार आज का नहीं है, बहुत पहले का है, और उसकी रिपेयरिंग भी की गई है, और दोनों भीतर के भी पायों में उसमें भी दरार है, और ये अब शायद जा करके जो ज़्यादा लोड बढ़ा है तो ये पूरी तरह से बीचों बीच ये पुल क्रैक हो गया है। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ऊपर जिस जहां वो पुल दबा हुआ है उसका वो पूरा प्लास्टर वगैरह निकल चुका है, नीचे जिस पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन खड़ा है ये बीचों बीच दरार आई हुई है, और यही खतरनाक है कि अगर ये पुल अगर ध्वस्त होता है तो ये सिवान का जो लाइफलाइन है ये खतरे में है, पूरा ये पुल, पूरे सिवान के लोग खतरे में हैं, जो जिनकी मजबूरी है इधर से आना और जाना। आप सर यहाँ एक मिनट, ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ इस पुल को बने हुए जी, जी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बीचों बीच, पिछले साल तो ये बना है ना, पिछले साल नहीं, ये लगभग 8-9 साल हो गया है बस जी जी। इसमें विवाद था बनने में जी, क्या कंस्ट्रक्शन जो था ना उसका सही नहीं हो पाया था, इस पर कंप्लेन हुआ था जी। उसके बाद ये लोग अपना कुछ लिया का सुधार उधार किए और इसे पास उस करके और फिर अपना बिल भज गया। आप देख रहे हैं कि ये पुल जो है एक माने लेयर में नहीं बना हुआ है, आड़ा तिरछा ऐसे करके ये सारा चीज बिल्कुल जी जी बनाया है, उसी टाइप का बनाया है ये। उस समय भी इसी बात पे ये हुआ था कि भाई कैसे पुल बना है, इसे कोई माने लुकिंग जो अच्छा स्मार्ट लुकिंग चाहिए वो नहीं है, नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये तो खतरनाक हो गया, हालांकि बड़ी गाड़ी को रोक दिया गया है लेकिन खतरनाक तो है, और कभी अगर ये चूंकि पुल पे खुद पुल का लोड है, खुद पुल का लोड है, और ये अगर गिरता है तो
कितने लोगों की जान जा सकती है? लोगों जान लाइफ लाइन है सिवान का, इस पार से उस पार। एक पुल तो पुराना वाला टूट गया, तो रात में तो कम लोगों का आना जाना होता है, लेकिन दिन में हमें लगता है कि अगर जिस दिन अगर दिन में ये पुल गिरा, मतलब कि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। उसमें तो भी इसको क्या माना जाए, किसको दोषी माना जाए, इसके लिए किसको दोषी माना जाए? डिपार्टमेंट ही दोषी हो, वही ना चेक करता है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो तो चेक वही करता है, पास वही करता है, तो उन्हीं को दोषी माना जाएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि एक एक साल का बना हुआ पुल बह जा रहा है, लग रहा है कि तिनके की तरफ। हम लोग का सड़क जो बना देखिए नदी किनारे, वो सड़क एक ही साल में बह गया। फिर हम लोग कंप्लेन किए, कोई ये नहीं हुआ। फिर आगे भी टूटा है, अभी आगे भी जाइएगा तो आगे भी पुल क्रैक कर गया आधा रास्ता। तो ये किस विकास की हम बात कर रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, यहाँ तो लूट की गंगा, लूट की गंगा बह रही है टोटली। आपको हर चीज़ तो कमीशन पे चल रहा है आजकल, जो जहाँ भी आइए काम करने। हम अभी हाल में मतलब पहले गए थे ये लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक ना, उसमें फिक्स था कि इतना चाहिए, नहीं दिए तो हमको तुरंत तो कंप्यूटर बैठा कर ये माना जाए कि ये पुल भी कमीशन के भेंट चढ़ गया। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है पुराना वाला पुल था उससे मजबूत था, सब लोग कहते थे कि पुराना वाला पुल जो है इससे मजबूत है, जबकि सरकार उसको तोड़ दी, जबकि उससे काफी मजबूत था। अंग्रेजों के जमाने का वो पुल था, और वो सीमेंट से नहीं बना हुआ था, वो सुर्खी से मिट्टी से बना हुआ था। उसको तोड़ने में भी काफी समय लगा, काफी समय लगा, बहुत मेहनत से टूटा हुआ बेचारा। हम लोग जबकि पब्लिक का ये ओपिनियन था कि ये पुल सही है अभी रहने दिया जाए, लेकिन वैसा तो गवर्नमेंट का अपना ये है, इंजीनियरिंग का रूल है कि हम इसको इसका लाइफ खत्म हो गया शो कर दें, उसके बाद में तो इसका कितने दिनों का लाइफ था कि ये पहले ही अभी जन्म नहीं हुआ और पहले ही मरने के कगार पे है। ये तो हम पब्लिक देख ही रहे हैं कि सब कोई देख रहा है कि भाई उस समय जब ये बनने में उभर खबर था ना, तो हम लोग कंप्लेन ऐसा हुआ था कि भाई किस टाइप से पुल बना है, लेकिन अब जानते ही हैं सेटिंग एडिंग का जमाना है। सेटिंग एडिंग करके अपना बिल भजा लिया और भगवान भरोसे पुल को छोड़ दिया, उसी का नतीजा है ना। अभी आप नाम बता दें। हमारा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले? बस कचहरी रोड में। कचहरी रोड में रहने वाले हैं, लोकल लोग हैं ये। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए किस तरह से संतोष जी से जब हमारी वहाँ भी लग रहा है कि वहाँ जैसे बाद में सीमेंट ये मारा गया है, पहले हमें लगता है कि क्रैक पहले हुआ है। एक बार सीमेंट वगैरह लगा करके इसको दिखाने का प्रयास किया गया कि ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा क्रैक आ गया। तो उस पर लोड पड़ेगा, इस पर हैवी ट्रक चलते हैं तो लोड पड़ेगा तो टूटेगा ही। प्रशासन थोड़ा सा सजग हुआ है कि बड़ी गाड़ियों को रोक दिया है, लेकिन छोटी गाड़ियां आ रही हैं खतरे पे खेलते हुए। हाँ, खतरे पे खेलते हुए। कब टूट जाए तो अपना ही इसका वेट काफ़ी है। जी जी, इसका पुल का अपना खुद का वेट काफ़ी है, तो अब वहाँ तो खतरा होना ही है। देखिए इस पुल की हम बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आप हम लोग पुल के जस्ट नीचे खड़े हैं और ये पुल जो बीचों बीच दरार आया हुआ है, पुल का अपना एक अलग वेट है, और वेट वो क्या पता कितने देर तक सहेगा और कितने देर तक नहीं, लेकिन इस पर जितने चलने वाले लोग हैं उन वो अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ये पुल गिरा तो उनकी जान जा सकती है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि ये पूरा पुल सिवान का लाइफ लाइन है। प्रशासन की आँख खुली है, लेकिन देर से खुली है। प्रशासन इस पर बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया है, लेकिन पुल का जिस तरीके से निर्माण किया गया है, एकदम ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप नौसिखिए मिस्त्री या नौसिखिए जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा किया गया है, और टेढ़ा मेढ़ा ये उसी समय से विवादित पुल है। लेकिन आज लगभग 9 साल 10 साल में ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और ये कब गिर जाए इसकी पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन समय रहते, इससे किसी की जान न जाए, समय रहते इसका कोई इंतजाम करे, और जो पुल बनाने के लिए दूसरा पुल बनने के लिए काम शुरू हो चुका है इस पर तेज़ी से, हालांकि अभी बारिश का मौसम है, ये भी 2-3 महीने के बाद ही अब काम हो पाएगा, काम यहाँ का बंद है, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस पुल को बनाना होगा, और बुरी तरीके से, अन्यथा ये ना हो कि इसके देखा देखी ये पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चढ़ जाए। ऐसा आजकल दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार का जो पुल है वो साल साल भर में तिनकों की तरह बह रहे हैं,
तो ये कम से कम भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, ये जो हमारा नया पुल बन रहा है और जिला प्रशासन जितना जल्दी हो सके काम करवाए और इस जो खतरा लेकर के लोग चल रहे हैं उनको कम से कम इस पर और लोड को कम करने की ज़रूरत है ताकि कोई बड़ी घटना ना घटे।